हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी। तो ठंड के मौसम में कढ़ी तो बहुत ही टेस्टी लगती है, और कढ़ी बनाएंगे पर कुछ डिफरेंट, जो कि आज तक आपने कभी यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। और जिसके लिए लिया हमने आधा किलो लस्सी है ये हमारे पास में, खट्टी लस्सी। और दही से बनानी हो तो उसको पहले निकाल देना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए जब उसको यूज करना चाहिए। तो ये हमने खट्टी छाछ ली है, उसके साथ में लिए 4 से 5 हरी मिर्चें, और इसमें एक सीक्रेट डालेंगे, वो आगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये हम पहले कढ़ी का बैटर तैयार करते हैं। तो इसमें हम डालेंगे बेसन। तो ये होममेड हमने लिया है बेसन, ये हमने घर में पिसवाया है। तो ये 2 लैडल भर के हम ले लेंगे और इससे बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कढ़ी। तो ये काफी हमारे फैमिली मेंबर्स को पसंद है, तो इसलिए हम ज्यादा बना रहे हैं। इसे अच्छे तरीके से विस्क कर लेंगे हम, और इसमें हम पानी बाद में ऐड करेंगे। तो पहले इसे अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। और घर में पिसे हुए बेसन की तो बात ही क्या है, और ये छाछ भी हमारी घर की ही है, क्योंकि ये हम लोग घर के ही मक्खन से निकाली हुई छाछ यूज करते हैं। तो ये होममेड ही छाछ है। ये देखिए, काफी अच्छा बैटर ये तैयार हो गया है। तो हमने लस्सी को और बेसन को अच्छे तरीके से मिला लिया। अब इसमें मिलाएंगे हम कुछ सूखे मसाले। ये देखिए, इसमें मिला देंगे हम 2 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, और 1 चम्मच हम डाल देंगे हल्दी का, और 1 ही चम्मच हम डाल देंगे इसमें, और 1/2 चम्मच और ये हमने डाल दी लाल मिर्ची का। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, घोल हो गया तैयार। अब हम इसमें लगाएंगे कढ़ी में तड़का। देखिए, ये हमने ले ली है बड़ी सी कढ़ाई। अब इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून सरसों का तेल, क्योंकि सरसों के तेल में इसका कढ़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो वैसे भी हम लोग ज्यादातर सरसों का तेल ही यूज करते हैं। तो मैं इसको अच्छे तरीके से स्मोकी कॉर्न तक गर्म होने दूंगी, फिर उसके बाद में इसमें तड़का डालूंगी। ये देखिए, अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच मेथी दाना, और 1 ही चम्मच में डालूंगी जीरा, क्योंकि मुझे इसमें मेथी दाने का फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद है। तो और 1 में डाल दूंगी इसमें लाल मिर्च तोड़ के। ये देखिए, अब ये तड़का हो गया है, इसे हमने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद में इसमें फिर हम डालेंगे बेसन और ये लस्सी। ये देखिए, अब ये ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम डाल देते हैं ये घोल, और अब इसे हमें कंटिन्यू चलाना है जब तक एक अच्छा उबाल नहीं आ जाता, और इसे हम फुल गैस करके तब चलाएंगे। और फिर उसके बाद में एक उबाल आने पे इसमें हम डालेंगे पानी। तो पहले हम इसे ऐसे ही उबालेंगे, फिर उसके बाद में हम पानी ऐड करेंगे। तो पहले एक अच्छा सा उबाल आने देते हैं, फिर उसके बाद में ऐड करेंगे हम इसमें पानी। देखिए, इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। तो ये जो जिस बैटर में हमने ये तैयार किया था घोल, जिस बर्तन में, उसी में हम करके पानी डाल देंगे, और अच्छी तरीके से इसको फिर दोबारा से इसको हम मिक्स करेंगे और चलाएंगे जब तक एक अच्छा सा और अच्छा सा एक उबाल नहीं आ जाता। तो इसे हम पकाते रहेंगे। देखिए, एक अच्छा सा उबाल आ गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और ये बहुत अच्छी सी कढ़ी बनके तैयार होगी। ये देखिए, 1 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि ये मैं अपनी जॉइंट फैमिली के लिए बना रही हूँ। तो ये 1 से 1.5 चम्मच मैं नमक डालूंगी। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल। बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कीजिएगा, और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। अब इसमें उबलती हुई कढ़ी में अब हम डाल देंगे ये हरी मिर्चें भी। ये देखिए, ये लिया हमने बथुआ, इसे अच्छी तरीके से हमने 4 से पानी भी अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। अब इसको हम बारीक बारीक काटेंगे, और ये बनाएंगे हम कढ़ी, इसमें डाल के बथुए की कढ़ी।
ये देखिए ये बारीक कटा हुआ बथुआ भी डाल देंगे हम इसमें, जो कि और भी कढ़ी को फ्लेवर देगा। और ये बहुत गर्म होता है सीजन में, खाना ही चाहिए बथुआ किसी भी फॉर्म में खाएं, चाहे दाल में, पराठों में, चाहे इस तरीके से कढ़ी में, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से कढ़ी के साथ में। और देखिए कितनी अच्छे तरीके से हमारी कढ़ी बन रही है, और ये बथुए वाली कढ़ी बहुत ही अच्छी लगती है। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, ये मेरी माँ को बहुत पसंद थी, अब उनको मैं नहीं है वो दुनिया में, तो उनको डेडिकेट करती हूँ अपनी माँ को ये उनकी रेसिपी। तो ये इस तरीके से हमने आज कढ़ी बनाई है। ये देखिए ले लिया हमने बेसन, बेसन में हम डाल देंगे नमक, और नमक हम डालेंगे आधा चम्मच। तो ये नमक हमने डाल दिया है, और नमक डालने के बाद में इसमें डाल देंगे चुटकी भर हींग। तो ये हमने डाल दी चुटकी भर हींग, जो कि और बेसन को डाइजेस्ट करने में बहुत ही हेल्प करता है और टेस्ट को तो और बढ़ाता ही है। तो ये हम इसका एक अच्छा सा घोल बना लेंगे बेसन का, और इससे बनाएंगे पकौड़े। ये देखिए ये कितना अच्छा सा हमने घोल बना लिया है, जैसे बेसन का बनता है रनिंग कंटेस्टेंट इस तरीके का घोल होना चाहिए। और प्लेन पकौड़ी बनाएंगे हम, इसमें कोई प्याज कुछ नहीं डालने की जरूरत है, क्योंकि ये हम भोग लगवाएंगे अपने ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी को कढ़ी और चावल बहुत ही पसंद होते हैं, तो ये अच्छे तरीके से हमने बैटर को तैयार कर लिया है। इस तरीके से पोर्शन लेके हम बेसन बनाएंगे, बेसन की पकौड़ी बनाएंगे छोटी छोटी सी। ये देखिए सरसों का तेल ले लिया है, और इसमें हम पकौड़े डाल देंगे छोटे छोटे से। देखिए ये हमारे यहाँ पे छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनती हैं, तो छोटी पकौड़ी बनाएंगे हम, साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं। और गैस हमने लो टू मीडियम रखी है, जिस तरीके से पकौड़े बनते हैं उसी तरीके से हमें ये बनानी है। तो ये देखिए तो हमें काफ़ी सारे पकौड़े बनाने हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं कढ़ी काफ़ी सारी। तो ये देखिए बहुत टेस्टी सी कढ़ी बनेगी हमारी। आपको एक बार फिर रिमाइंडर दिला दें, प्लीज अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो ये हम थोड़ी सी गैस तेज कर देते हैं, लो टू मीडियम, ये भी हमने बिल्कुल लो कर रखी है। और इस तरीके से हम ये पकौड़े उतार लेंगे, और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगेगी कढ़ी। तो इसे हम इस तरीके से, अब ये देखिए अपने आप ही फ्लोट कर रहे हैं ऊपर, क्योंकि हमने इसमें कोई सोडा नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, और ये अपने आप ही सॉफ्ट बनेंगी और बहुत ही टेस्टी कढ़ी तैयार होगी हमारी। तो इन्हें हम पका लेते हैं पकौड़ों को दूसरी साइड से भी। देखिए कितने अच्छे ये फ्लोट कर रहे हैं ऊपर, और देखिए ये फूल भी गए हैं काफी। और देखिए हमने छोटे छोटे खोल की पकौड़ी बनाई थी, और ये देखिए काफी बड़ी हो गई है, और इसमें हमने कोई सोडा कुछ नहीं डाला, सिर्फ अच्छी तरीके से फैटा है। बेसन जितना अच्छा फैटा होगा उतने ही अच्छी पकौड़ियाँ बनके तैयार होती हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी कढ़ी हमारी बनके तैयार होगी, क्योंकि सब कुछ हमारे घर का ही है। तो ये देखिए बहुत अच्छा ये कढ़ी तैयार होने वाली है हमारी। तो इन्हें अब दूसरी तरफ से भी पका लेते हैं, साथ ही साथ हम कढ़ी भी चलाते रहेंगे। चलिए ये पकौड़ी हम निकाल लेते हैं, दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिक चुकी हैं, और ऑयल ड्रेन करते हुए इन्हें निकाल लेंगे। और खाने में तो ये ऐसे भी बहुत अच्छी लगेंगे, और कढ़ी में जाके तो और भी टेस्ट को बढ़ा देंगे। तो ये हम निकाल लेते हैं, और दूसरे बैच की भी पकौड़ी हम तैयार कर लेते हैं फटाफट से, साथ ही कढ़ी भी चलाते रहेंगे। देखिए कढ़ी में अच्छा उबाल आ गया, तो इसमें डाल देंगे पकौड़े। तो ये पकौड़े डाल देते हैं, और इन्हें अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे, और इसे और अच्छे तरीके से भी उबलने देते हैं 1 से 2 मिनट। देखिए कढ़ी हो गई तैयार, अब इसमें डाल देंगे खूब सारा धनिया, हरा धनिया हमने डाल दिया। और देखिए ये कढ़ी पकने की पहचान होती है, साइड में ये इस तरीके से मलाई आ जाती है, और ये हमारी कढ़ी हो गई तैयार। चलिए इसका फाइनल लुक तैयार करते हैं। ये देखिए ये ले लिया हमने 2 टेबल स्पून देसी घी, अब हम इसमें डाल देंगे जीरा, और जीरे के साथ में डाल देंगे इसमें हम लाल मिर्च, ये एक लाल मिर्च डाल देंगे हम, गैस बंद कर देंगे, और फिर इसमें डालेंगे लाल मिर्च किसी भी, और ये तड़का हम डाल देंगे।
देखिए ये जो बघार हमने तैयार किया है ये डाल देंगे इसके ऊपर। और ये देखिए कितनी अच्छी हमारी कढ़ी बनके हुई है तैयार। आई होप आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। पहले आइकन को तो जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी या वीडियो के साथ। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सभी को हमारा नमस्कार।